हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ घर पर मलाई में से घी कैसे निकालते हैं वो शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये मेरा 15-20 दिन का मलाई है जिसको मैं पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था, और घी निकलने के लिए मैं उसे कल रात से ही बाहर निकल दिया था क्योंकि मलाई खट्टा होना चाहिए, नहीं तो घी अच्छे से नहीं निकलेगा। तो ये देखिए, मैं एक चरखा की मदद से इसे फेंट रही हूँ। बहुत सारे लोग आजकल ये प्रोसेस जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरा ये वीडियो जरूर देखिए। तो ये देखिए, मैं मलाई को अच्छी तरीके से फेंट रही हूँ। ये थोड़ा मुश्किल काम है, आप सब जितने टाइम इसे फेंटेंगे उतना ही घी अच्छा निकलेगा। तो मलाई को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद मैं इसमें पानी मिलाऊंगी। तो ये देखिए, पानी मिलाने के बाद मलाई में से बटर अलग हो गया है। सारी बटर को मैं अभी बाहर निकाल लूँगी। आप इस तरीके से बटर को भी स्टोर करके रख सकते हैं। बटर को कैसे स्टोर करते हैं मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये कितना सारा बटर हमारा इकट्ठा हुआ है और ये पूरा पानी के ऊपर आ गया है। तो ये देखिए, बटर को मैं किस तरह से पानी से बाहर निकल रही हूँ और इसे एक कढ़ाई में मैं रखूँगी। तो ये देखिए, बहुत सारा बटर हमारा निकल रहा है। तो मैंने सारी बटर को ऑलरेडी बाहर निकल दिया है। तो ये देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था मैं इसे भी बाहर निकल रही हूँ। अब मैं इसे गैस के ऊपर रख दूंगी। तो ये देखिए, गैस के ऊपर रखने के बाद ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये सारी बटर मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, सारी बटर मेल्ट हो गई है और कुछ देर बाद इसमें से घी निकलेगा। और ये देखिए, इसमें से घी निकल रहा है।
तरह से हम गैस के ऊपर इसे और कुछ देर रखेंगे। ये देखिए कितना सारा घी इसमें से निकल आया है। और थोड़ी देर ये गैस के ऊपर रहने के बाद हम इसे बाहर निकाल देंगे। वैसे तो मार्केट पर घी अवेलेबल हो जाता है, पर घर पर बना हुआ घी की स्वाद ही अलग होता है और ये बिल्कुल प्योर होता है। और घर पर बना हुआ कोई भी चीज़ बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, उसे मन से करो तो कोई भी काम आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए घी हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक छलनी की मदद से एक बाउल में निकाल लूँगी। तो इसे अच्छी तरीके से छलनी में छानने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा होने के बाद हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे। ये बहुत दिनों तक अच्छे से रहेगा और आप सब भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।